हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। जैसे कि मैंने जो है पिछला 3 वीडियो बना रखा है कि जो आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उस टेबल में आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यह सारा वीडियो 3 वीडियो बना रखा है। तो जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है डेटाबेस जो आपका क्रिएट हुआ है वह डिलीट कैसे होगा, और आज मैं आपको बहुत सारा फंक्शन का जो है बताने वाला हूँ, जैसे कि बिटवीन है, बिटवीन ऑपरेटर हो गया, और फंक्शन हो गया, लाइक फंक्शन हो गया, इन फंक्शन हो गया। तो आज मैं यही सब फंक्शन जो आपको जो है बताने वाला हूँ। तो जो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जो ये वाला पहले से ही आपके लिए बना के रखा था। तो अब मैं इसे जो है सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो है इस जगह पर ही मेरा एक एम्प्लॉय टेबल वाला है। तो मुझे अगर आपको भी अगर कोई टेबल डिलीट करना है तो आप उसके मेन टेबल पर चल जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा मेन टेबल है। इसको ऐसे करके इस जगह पर ही ड्रॉप स्कीमा इधर पर ही फाइंड कीजिए। देखिए इस जगह ड्रॉप स्कीमा है, इसको क्लिक कीजिए, फिर रिव्यू एसक्यूएल आएगा ड्रॉप नाउ, तो आपको ड्रॉप नाउ पे क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हैं कि वो वाला गायब हो गया। तो चलिए अब मैं आपको क्लाइमेक्स में जो है बहुत ही स्पीड में आपको जो करके बताऊँ। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस करना है, देख सकते हैं, फिर जाकर यूज इम्प्लॉय, वो वाला टेबल आप देख सकते हैं फिर से आ गया। फिर आपको क्रिएट टेबल यूजर में जो है यूजर नाम का जो टेबल क्रिएट करना है, यह भी क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्या है, अब अभी मैंने इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं किया है, देख सकते हैं कि वही वाला वैल्यू यह इस जगह पर ही है। तो अब मैं इसे जो है एक ही साथ में इंसर्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यह सारा रो इंसर्ट हो गया। अब इधर से जो है मैं इसे हटाकर इस जगह पर जो है इसे मैं डाल देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस जगह हमारा टोटल 6 वैल्यू इंसर्ट हो गया है। आप भी जो है इंसर्ट बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग पिछला 2 वीडियो बना रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज मैं आपको जो है इसमें का इम्पोर्टेंट फंक्शन बताने वाला हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना जो अभी तक का, वो टोटल इम्पोर्टेंट फंक्शन मैं आपको जो है इसमें शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स पहला सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है, वो आता है बिटवीन ऑपरेटर का। क्या बिटवीन ऑपरेटर का यूज कैसे करें, तो आपको तो सबसे पहले सेलेक्ट ये मल्टीप्लाई का साइन फ्रॉम यूजर्स, आपका टेबल नाम क्या है यूजर वेयर नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी ईएमपी आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एम्प्लॉय आईडी 1 से लेकर 4 तक के बीच में जितना भी एम्प्लॉय आईडी है वह सब आना चाहिए। वेयर एम्प्लॉय आईडी बिटवीन 1 एंड 4। अब आपको ये वाला कॉलन देकर इसे रन करा देना। तो आप देख सकते हैं कि आपका बस क्या 4 तक ही आया। ये इसका मतलब यह कि आप जो है बिटवीन ऑपरेटर का जो आपका यूज आप करना सीख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आपको अगर मान लीजिए कि 2 से 4 लेना है तो आप इसे भी फिर रन कर सकते हैं। एक मिनट फ्रेंड, इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इस जगह पर ही आपको क्लिक करना है तो आपका जो है रन हो जाए। पहले सेलेक्ट कर लीजिए, देख सकते हैं 2 3 4 आ गया। अगर ऐसे ही आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड, मैं आपको यही एक वीडियो में आपको सारा फंक्शन बता दूंगा। अगर मैं इसे 6 लेता हूँ और इस जगह पर 1 लेता हूँ तो इसका मतलब यह है कि जो ये पूरा ही टेबल आपका दे देगा। देख सकते हैं पूरा ही टेबल आपका दे दिया। आप इसका भी जो सेलेक्ट दिस फ्रॉम यूजर का भी यूज करके पूरा ही टेबल आपका आ सकता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि बिटवीन ऑपरेटर का जो आप सीख चुके होंगे, या बिटवीन ऑपरेटर है। तो चलिए अब मैं आपको जो बताता हूँ कि आप इक्वल करके, जैसा कि अगर आपको चाहिए बस केवल सौरभ का डेटा, मिष्टी का डेटा, शुभम का डेटा, सुमित का डेटा है इस टाइप में, तो अब आप ये कैसे करेंगे, सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट लिख दीजिए दिस फ्रॉम यूजर्स, सेलेक्ट दिस फ्रॉम यूजर्स वेयर, जो आपका है ना वो आपको लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, क्या है हमारा एम्प्लॉय नेम फ्रेंड, सौरभ हो गया। आपको ऐसे कर देना।
अब यह केवल आपको सौरभ का ही इंप्लॉय नेम देगा। आप देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप भी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं जो है इसमें फिर से आपको करके बता देता हूँ, एक कॉपी कर लेना है। अब आपको सुमित का डेटा चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, सुमित का। तो अब आप देखिए इसे रन कर देता हूँ, तो देख सकते हैं सुमित का भी जो है डेटा आ गया। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर आपको डबल चीज यूज करना है, जैसे में कि अब आपको चाहिए बस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपको यह वाला टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो है इस टेबल में क्या चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको इसको रन करते हैं। हाँ, तो जैसा कि अगर आपको चाहिए कि सुमित का जो सैलरी है वह मेरे को वह सुमित चाहिए, नहीं देख सकते हैं जमशेदपुर में दो दो है, तो मेरे को जमशेदपुर का डेटा चाहिए किसका है? जो और उसका नाम ज्योति होना चाहिए। मतलब अगर डबल कंडीशन है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जो चलिए सेलेक्ट दिस फ्रॉम यूजर्स वेयर ईएमपी नेम, ये दो कंडीशन के लिए इक्वल टू ज्योति, उसका नाम ज्योति होना चाहिए एंड एंड और क्या फ्रेंड्स, और उसका जो है इम्प्लॉय सिटी था ना वो, हाँ इम्प्लॉय एड्रेस, और उसका ईएमपी एड्रेस कहाँ होना चाहिए, जमशेदपुर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यह हमारा जो है कोड रेडी है। अब मैं इसे जो है रन करता हूँ, तो देख सकते हैं कि यह केवल वही डेटा आपको दो डेटा में मिला है, जमशेद ज्योति भी होना चाहिए और जमशेदपुर भी। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि उसका जो है मतलब यह होना चाहिए जमशेदपुर और यह वाला बेंगलुरु होना चाहिए, तो अब आप देखिएगा अब उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का यूज ही होता है कि यह दोनों स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। तो चलिए अब जो है मैं आपको वीडियो लंबा बन रहा है, तो अब मैं आपको और एक और ऑपरेटर भी होता है, तो आप देख सकते हैं यह आपका और ऑपरेटर क्या काम करता है। और ऑपरेटर यह काम करता है कि सेलेक्ट दिस फ्रॉम यूजर वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ज्योति और एम्प्लॉय एड्रेस इक्वल टू बेंगलुरु। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय नेम ज्योति भी है तो चलेगा और बेंगलुरु भी है तो आपको, मतलब ये दोनों कंडीशन आपका है तो दोनों कंडीशन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि रन करके देखिए, देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय नेम ज्योति है और एम्प्लॉय एड्रेस बेंगलोर, ठीक है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसमें जो ज्योति ज्योति जो है जमशेदपुर वाला आया है। अगर आपका ज्योति बेंगलोर में भी रहती तो जो है आपका जो है बेंगलुरु का भी जो है वो वाला ज्योति आ जाता है, क्योंकि इसमें एक ही डेटा है, इसी कारण से हुआ एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि जो आपको यह तीन चार ऑपरेटर जो है समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में मैं आपको जो है अल्टर टेबल ड्रॉप टेबल आप कैसे कर सकते हो वो सब बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।